सो हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ नैमिषारण्य में, गोमती नदी के किनारे पर, और आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। सो दोस्तों, अभी मैं नदी के इस तरफ खड़ा हूँ और उस साइड में राजघाट है जहाँ पर सारे लोग स्नान वगैरह करते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पर सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा चल रहा है चोखा वाटी का इंतजाम नदी के किनारे। ये इधर यहाँ पे चोखा वाटी बन रहा है और इधर है गोमती नदी। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। और ये हमारे जो कारीगर लोग हैं चोखा वाटी बनाने वाले, ये हैं केशव। हेलो गाइस, केशव क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हमारे दोस्तों जो कि इनको दाई बोलते हैं हम लोग, ये देखिएगा, ये बहुत ही बड़े कारीगर हैं चोखा वाटी बनाने के। देखिएगा, इसमें आलू डाले हुए हैं इन्होंने रोस्टेड होने के लिए। छुड़क्कू दादा इधर हाय करो, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चोखा वाटी बनने में भी टाइम लगेगा ना? अभी स्टार्ट हुआ है बनना, तो अभी नदी स्नान करने नहीं चलेंगे, खाने पीने के बाद स्नान किया जाएगा, जो कि दादा हमारे बता रहे हैं खाने पीने के बाद स्नान करेंगे। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो भी चोखा वाटी का सामान लाना था वो सब ला चुके हैं, और ये हमारे सब मित्रगढ़ लोग हैं, आपको मिलवाते हैं सारे लोगों से, और जो भी चोखा वाटी का सामान आया वो सब आपको दिखाते हैं कि चोखा वाटी बनाने में क्या क्या आइटम लगता है। सो दोस्तों, यहाँ पर सारे हमारे मित्रगढ़ लोग आ चुके हैं जहाँ पर चोखा वाटी बनाने का प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। ये हमारे पराशर भाई, और ये उपेंद्र भाई हैं हमारे, और ये हमारे सब मित्रगढ़ लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, और चोखा बाटी बनाने का जो भी आइटम है यहाँ पे सारा रखा हुआ है। दोस्तों सारे लोग एक बार हाय करेंगे इधर। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। सर एक बार आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहेंगे कि चोखा बाटी बनाने में क्या क्या आइटम लगता है उसमें? चोखा बाटी जो है, एक आप चोखा बनाएंगे तो चोखा में बैंगन चाहिए, और लहसुन है, प्याज है, धनिया है, मिर्च है, मतलब जो भी आप मसाला डालना चाहते हैं वो सब डाल सकते हैं। और बाटी के लिए आटा हो और बेसन होना चाहिए, या चने का बेसन है, या भुना हुआ हो, या ऐसे ही हो। अभी भुनेंगे तो है नहीं, हम लोग ऐसे ही लगाएंगे ना। तो उसके बाद हम लोग बाटी बना लेते हैं और चोखा बना लेते हैं। चोखा बाटी साथ में हींग वगैरह ये सब डाल के बढ़िया चोखा बनेगा। मसाले भी हैं सब यहाँ पे, नमक भी है। तो दोस्तों सारा और विशेष है जो डालते हैं वो है अपनों मित्रों का प्यार। हाँ, प्यार से बनाते हैं और प्यार से खाते हैं। जी जी, यहाँ पे सर, यहाँ पे सारे लोग एकत्र होके बनाते हैं, और ये मज़ा अलग ही है बनाने खाने का। दोस्तों ये देखिएगा, सारा आइटम यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिएगा, ये प्याज कट रहा है उपेंद्र जी, प्याज काट रहे हैं, और ये इधर लहसुन छिल रहा है। बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में। उधर दोस्तों आलू भी रोस्टेड हो चुके हैं, और अभी आगे की प्रक्रिया जारी है।